नमस्कार मैं हूं आलोक कुमार आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रतिनिधि के प्रतिनिधि और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी इन्होंने न केवल कि इस देश के लिए बहुत सारे स्कैम्स को निकालने में खोदने में सहायता देश के की है बल्कि स्वराज अभियान नाम के खास अभियान चलाया है इन्होंने जो ई के फाउंडर भी हैं और आज हमारे बीच हैं ये हम स्वागत करते हैं इनका आपने इतना संघर्ष किया लोकपाल के लिए जन लोकपाल के लिए उसका हुआ क्या आखिरकार क्या मिला उस संघर्ष का परिणाम देखिए एक तो खैर बड़ा परिणाम ये मिला कि उस संघर्ष के दौरान बहुत सारे ऐसे खासकर यूथ बाहर आए अपने घरों के इस एक जनहित के अभियान से जुड़े और देश को बदलने के जज्बे में कईयों ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी कई कई बहुत बहुत टाइम देने लगे अपना कईयों ने अपना बहुत सारा पैसा भी इसमें लगाया तो ये एक मेरी राय में बड़ी उपलब्धि थी उसके अलावा एक लोकपाल का कानून तो बना कानून आधा अधूरा है लेकिन खैर कुछ तो है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून बनने के बाद भी लोकपाल नहीं बना और ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे अभियान के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हो गया उसके बाद आम आदमी पार्टी ने और ख़ासकर पिछले चुनाव दिल्ली के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने इसका पूरा अभियान छोड़ दिया और ना तो उन्होंने खुद लोकपाल बनाया ना ही केंद्र में लोकपाल बनाने की कोई के लिए कोई अभियान चलाया और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जो पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन था लोगों को ऐसा परसेप्शन हुआ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही आम आदमी पार्टी बन गया और जब आम आदमी पार्टी ने क्योंकि उसके संचालक अरविंद केजरीवाल थे एक तरह के डिक्टेटर और उन्होंने जब वो सत्ता में आ गए तो उनको लगा कि भाई हमें अब लोकपाल की कोई ज़रूरत नहीं है तो इस वजह से उन्होंने पूरा इसका अभियान छोड़ दिया जिसकी वजह से आज तक केंद्र में भी लोकपाल का गठन नहीं हो पाया और दिल्ली में भी नहीं हो पाया अरविंद केजरीवाल जी की पांच कमियां बोल सकते हैं हमें आप पांच तो नहीं पर दो तीन अहम कमियां बता सकते हैं मेन जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो ये सोचते हैं कि भाई राजनीति में कोई भी आप तरीका अख्तियार कर सकते हैं चाहे कितना भी अनैतिक हो कितना भी गैर कानूनी हो कितना भी क्रिमिनल हो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल मतलब करने जरूरत है उन्होंने धारा की, उन्हों की राजनीति अपना ली है हाँ बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली उनकी थिंकिंग यही है कि तो एक तो ये बहुत बड़ी कमी है दूसरी कमी ये है कि वो अपनी बस दादागिरी पार्टी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहते हैं और खासकर जब हमको और योगेंद्र यादव जो कि हम लोग तो कुछ उसूलों की बात करते थे और उन उन उसूलों पर अडिग रहते थे तो जब हम लोगों को हटा दिया गया उसके बाद तो फिर उन्होंने बस ये सोच लिया कि जैसे कि आम आदमी पार्टी उन्हीं की जागीर है और वो जो चाहें करें और बाकी भी जो लोग थे वो भी बैठ गए मतलब इन द सेंस कि वो भी बस उनकी बात जो भी वो कहें जी हजूर करके मानने लगे और एक कमी और बताएँ तीसरी कमी ये है कि वो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कोई आ, किसी भी नीतिगत मामले पर उनकी कोई व्यू नहीं है हम लोगों ने जब पार्टी का गठन किया तो ये सोचा था कि भाई हम सारे बड़े बड़े सवालों पर पार्टी की नीति बनाएंगे और उसके लिए हम लोगों ने 33 एक्सपर्ट कमिटियाँ बनाई और उनको ये काम सौंपा उन सबकी रिपोर्ट्स आ गई और फिर हम लोगों को पार्टी में इसका फैसला करना था कि भाई अच्छा इसके आधार पर हम लोग अपनी पार्टी की नीति घोषित करें अरविंद ने बोला कि नहीं नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमको तो जब कोई मुद्दा आएगा जो हमको कन्वीनियंट लगेगा जिससे हमारी वोट बढ़ेंगी वो हम करेंगे अगर यही सवाल मैं पूछूं अरविंद केजरीवाल जी से आपके बारे में कि आपके पास कमियाँ गिनाएँ तो वो क्या बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको चलिए इस बात को हम लोग किसी और जगह लेके चलते हैं केजरीवाल और जो भी कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में स्वराज अभियान की शुरुआत आप लोगों ने की और शुरुआत अच्छी रही आप लोगों की फिर भी जो कुछ होता है कि मुख्य धारा में जब तक आप नहीं रहते हैं लोगों की निगाहें और लोग उन मुद्दों को समझ नहीं पाते आप क्या करने जा रहे हैं एक कमी रही स्वराज अभियान में कि आप लोग लोगों तक पहुंच नहीं पाए क्या सच है नहीं अभी उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जितना जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला या आम आदमी पार्टी का हाँ वो लहर तो अब आना मुश्किल है जी अब तो हम लोगों को धीरे 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 अपना काम कर करके ही लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा और हम लोग कर रहे हैं हम लोगों ने एक जय किसान आंदोलन किया उसके बाद फिर एक अमन के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं उसके बाद बीच बीच में भ्रष्टाचार के खुलासे करते हैं जैसे अगुस्ता वेस्टलैंड का किया या ये बैंक्स के जो लोन्स हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दिए जाते हैं उसके अलावा एक हम लोगों ने अभी दिल्ली में ये शराब के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया तो जैसे 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 हम लोगों का काम बढ़ता जा रहा है उस आ, उसी हिसाब से हम लोग लोगों के पास पहुंचते जाए भारत क्या है जहाँ तक दृष्टि गई आपकी वो वहां तक भारत है भारत उसके आगे भी है। नहीं भारत तो पूरा भारत है तो दिल्ली में, में बैठ करके स्वराज अभियान चलाना उचित है ये कहीं से तो आप बैठ के चलाएंगे कोई भी आप संगठन अगर चलाते हैं तो कहीं से बैठ के तो चलाना होगा पर महानगरों की बुद्धि और महानगरों की दृष्टि अलग होती है नहीं तो इसीलिए हमारे लोग जो हैं जैसे हम लोगों ने जय किसान आंदोलन चलाया जिसमें कि बहुत सारे यूथ को हम लोगों ने बुलाया कि भाई तुम लोग ड्राउट ड्यूटी पे वॉल्टियर करो और जो सूखा ग्रस्त इलाके हैं गांव के इलाके हैं जहां किसान रहते हैं वहां पर उस जगहों का दौरा करो जिससे कि तुमको किसानों की जो समस्या है वो समझ में आए और बहुत सारे युवा लोग आए इस अभियान में जिन्होंने अपने एक एक महीना लगाया और गांव-गांव गए और वहां पर जाकर देखा कि भाई वहां क्या हो रहा है किसानों की क्या हालत है तो आप एक अत्यंत सेंसिटिव व्यक्ति हैं इस मुद्दे पे कि जब भारत की समस्याओं की बात उठती है क्योंकि तो आप जैसे लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया खासकर आपने आ, सुप्रीम कोर्ट में और तमाम कोर्ट्स में जा जा करके आपने बहुत सारे मुद्दों पे वो बातें निकाल खोज कर निकाल चुके हैं जिनके बुनियाद पे आज की राजनीति तय हो रही है जो बीजेपी के पास बड़े मुद्दे हैं जो और भी पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े मुद्दे हैं अगेंस्ट कांग्रेस और अगेंस्ट और, और भी जो रूलिंग हुई है तो जानना यह है कि आप क्या समझते हैं भारत की पांच से प्रमुख बड़ी समस्याएं क्या है बड़े मुद्दे क्या है भारत के सामने आज देखिये वो हम लोगों ने स्वराज अभियान में भी चिन्हित करे हैं जी हमने बोला है कि देखिए एक तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या किसानों की है आज किसान इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं ज्यादातर जगह किसानी एक घाटे का सौदा बन गया है आ, बहुत सारी जगह अगर आप बताएंगे समस्या को तो संक्षेप में समस्या को और उसके जो हल है उस पर बात करें हम लोग हाँ देखिए हमारी राय में आ, हिंदुस्तान में किसानी को ना इस केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग की तरफ सरकार ले गई है और इससे इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाते हैं और अब जैसे जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डालते डालते उपज भी कम होती जा रही है फार्मिंग की बात कर रहे हैं हाँ सोल्यूशन हाँ, में हाँ हम लोगों को जैविक खेती की तरफ वापस जाना पड़ेगा जी। उसके अलावा जो सिंचाई का जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया कि बड़े बड़े बांध और खूब सारी बड़ी बड़ी कैनल कर रहे हैं हमें छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए छोटे छोटे जो हाँ, हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, करना चाहिए जैसे कि इसको डेवलपमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर चलना पड़ेगा हमें। सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस की बात नहीं है उसी से आपको एक, आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आएगी अभी तो हम लोग इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं सरदार सरोवर पर पिछहत्तर हजार करोड़ खर्च कर दिया और कितनी सिंचाई हुई दो लाख हेक्टेयर से भी कम अगर इससे हम चौथाई पैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगा देते तो गुजरात का आज करीब करीब सारा एरिया जो है सिंचित हो जाता गवर्नमेंट के पास ये बुद्धि क्यों नहीं आती जो, जिसको आप समझते हैं जैसे आप एक वकील हैं और लेकिन आप समझते हैं इन बातों को इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला क्या है ये जो डेवलपमेंट है कैसे हो सकता है इन बातों को आप समझते हैं सरकारें क्यों इस मुद्दे का का तो, तो जैसे बांध के पीछे बड़ी बड़ी होती हैं जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जी। उसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको सरकार सब्सिडी देती है उसी तरह पेस्टिसाइड की भी बहुत बड़ी लॉबी है उसी तरह आज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बड़ी सी लॉबी बन गई है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पीछे हैं जिनके जिनके पास उनके पेटेंट हैं और वो सीड जो है पचास गुने दाम पर बेचते भारत हैं भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की जगह है जो ये रुख भारत ने अपनाया है उसमें जो कॉर्पोरेट उनका हाथ खिलौना बन, बन चुका है भारत सरकार हाँ भ्रष्टाचार क्योंकि इतना बढ़ गया तो उस भ्रष्टाचार के चलते हुए जहाँ जहाँ एक कॉरपोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है पावरफुल कॉरपोरेट वेस्टेड अब ये परमाणु ऊर्जा को देख लीजिए अब परमाणु ऊर्जा सिर्फ सबसे खतरनाक तरीका ही नहीं है ऊर्जा बनाने का जिसमें कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अन हो जाता है लेकिन जहाँ की डेंसली प्रॉब्लम पॉपुलेटेड लोग बसते हैं हाँ, हाँ। जहाँ हमारे पास कनाडा में अमेरिका में चाइना में बड़ा ट्रैक्ट है हमारे पास आ, हाँ, लेकिन उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि परमाणु ऊर्जा सबसे महंगा तरीका है ऊर्जा बनाने का आज परमाणु ऊर्जा की कॉस्ट दस रुपये से पर यूनिट से कहीं ऊपर है यानी कि आप सूरज की ऊर्जा से भी बिजली बना सकते हैं उससे कम दाम में और खैर कोयले से और तरीके हैं। बहुत हाँ तरीके हैं। उससे बहुत कम दाम बहुत में तो आपने सबसे एक्सपेंसिव तरीका और सबसे खतरनाक तरीका क्यों अपनाया है? क्यों अपनाया है सवाल लाजमी है आपका लेकिन हम लोगों ने बात की पांच समस्याओं की पांच मुद्दों की समस्या नंबर वन हुई किसानों की बात हुई किसानों की बात हुई समस्या नंबर दो आज सांप्रदायिकता जी। बड़ा भारी समस्या बन गई है खासकर भाजपा की सरकार आने से भाजपा से कोई खास दुश्मनी आपको है नहीं यही दुश्मनी है कि बिल्कुल सांप्रदायिक लोग हैं <laughs> भ्रष्ट भी हैं कांग्रेस की तरह नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है है? हैं ईमानदार है बिल्कुल भ्रष्ट हैं बिकॉज गुजरात में खूब भ्रष्टाचार हुआ और आज केंद्र में भी भ्रष्टाचार हो रहा है नरेंद्र मोदी की बात करिए भाजपा की बात देखिए नरेंद्र मोदी तो मुखिया हैं केंद्र सरकार के और पहले गुजरात सरकार के मुखिया थे गुजरात में खूब भ्रष्टाचार हुआ और आज केंद्र में भी भ्रष्टाचार हो रहा है कभी मिले हैं मोदी जी से आप नहीं मैं नहीं मिला मिलना चाहेंगे नहीं मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है मैं तो उनको रोज देखता हूँ टीवी पर देखता हूँ उनकी मतलब भारत के बारे में जो आपके विचार है जिन मुद्दों पर विचार आपके हैं आप उनको उनको क्यों नहीं बताते जा सकते नहीं मैं उनको चिट्ठी लिखता हूँ अगर कोई मुद्दा जैसे जब वो प्रधानमंत्री बने तो काले धन पर मैंने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी थी कुछ कार्रवाई जवाब आया उसका नहीं कोई जवाब भी नहीं आया कोई कार्रवाई भी नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई मुद्दा नंबर तीन मुद्दा नंबर तीन भ्रष्टाचार का है ही हुआ तो है जी हाँ। वो तो बना ही हुआ है आज लोकपाल भी नहीं बन पाया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में दो भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति कर दी गई तीन में से दो भ्रष्ट आ, आप विसिल ब्लोअर का कानून को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं आपने आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें से क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट को हटा दिया जाए जिससे उसको और कमजोर और लचर बना दिया जाए तो भ्रष्टाचार uh, तो फिर बढ़ेगा और बढ़ रहा है मुद्दा नंबर चार मुद्दा नंबर चार शिक्षा का है शिक्षा का स्तर नहीं शिक्षा, शिक्षा के कई प्रॉब्लम है सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि आज सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कंटेंट भी देखिए जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में प्रोफेसर यशपाल के अंडर आ, वो काफी अच्छा करिकुलम फ्रेमवर्क है वो सीबीएसई बी एस में तो लागू किया गया है लेकिन राज्यों के स्कूल्स में नहीं लागू किया गया है लेकिन अब तो विषय है जो कि केंद्र विषय केंद्रीय विषय नहीं है क्या उसको लेके हम लोग को आना चाहिए केंद्र में नहीं केंद्र में ना लाए लेकिन हर राज्य में जो करिकुलम है उसको रिफॉर्म होना चाहिए लेकिन आज मतलब तो उल्टा हो रहा है जब हर राज्य की अपनी मर्जी है शासन अलग अलग है उनके अपने इंटरेस्ट अपने अलग अलग है उनका तरीका अलग अलग है की बात करेंगे पूरे भारत की बात करेंगे आप तो अब तो जो मौजूदा सरकार है वो तो भगवाकरण करना चाहती है शिक्षा का केंद्र में ना केंद्र में और अगर आप वो बोल देते हैं कि भाई केंद्र जो लागू कर दे सारे राज्यों में लागू होगा तो पूरे राज्यों में भगवाकरण हो जाएगा शिक्षा का इसलिए भगवाकरण क्या होता है भगवाकरण मतलब ये है कि आप करिकुलम में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दें जिसमें आप ये लिखें कि भाई मुसलमान तो बड़े आतंकवादी होते हैं मुसलमान राजा आए उन्होंने भारत पर बहुत अत्याचार किया आप ये लिख दें कि भाई प्राचीन भारत में तो बड़ा साइंस की तरक्की हो गई थी आपको तो नहीं तो छोटी बड़े, बड़े, तो चीजें गलत चीजें हैं। हैं। नहीं बहुत सारी तो नहीं ज्यादातर कहानिया है कुछ थोड़ा नहीं मैं तो कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ राम थे या नहीं थे नहीं मेरी राय में तो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है मोहम्मद साहब थे या नहीं थे नहीं, मोहम्मद साहब तो एक हिस्टोरिकल उनकी तो एक हिस्ट्री है हिस्टोरिकल अल्लाह है नहीं अल्लाह नहीं, तो देखिए मैं तो कोई रिलीजियस हूँ नहीं मैं आ, ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ मैं तो एग्नोस्टिक हूँ आखिरी मुद्दा चार मुद्दों ने बात कर ली शिक्षा सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार और किसान पर्यावरण 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 में बड़ा मतलब इस समय तो पूरे विश्व में एक तो एक क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है जिसकी वजह से आगे तो बिल्कुल प्रलय आने वाली है आगे चलकर अगले पचास साठ सत्तर सालों में और हिंदुस्तान उसमें सबसे पहला विक्टिम होगा जी आ, दूसरी बात पूरा पूरा, पूरा भूखंड लेकिन बांग्लादेश हाँ, हाँ, को नेपाल को भूकंड हाँ, हाँ, खास कर खास कर जो कर। कोस्टल एरियाज हैं जिन 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 देशों में कोस्ट बहुत ज्यादा है वहाँ सबसे भारी इसका इफेक्ट होगा लेकिन वही सिर्फ समस्या नहीं है आज तो हिंदुस्तान में सारी नदियाँ बर्बाद करी जा रही हैं उसमें जैसे अब जमुना नदी है वो कोई नदी थोड़ी रह गई है तो एकदम खत्म हो गई है उसी तरह से गंगा को भी खत्म किया जा रहा है उसी तरह से भारत का दिल्ली भारत का पीएम बनना चाहेंगे नहीं अगर मौका मेरी, मिले। मेरी कोई ख्वाहिश अगर नहीं मौका मिले ना ना मेरी कोई तो तो समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल हम आवाज बुलंद करें काफी है आवाज बुलंद करें और ऐसे लोगों को तैयार करें आप अगर इस तरह की बातें उठाते हैं तो हम क्यों नहीं बनना चाहते हम नहीं। हम जाएं प्राइम मिनिस्टर बने और अपनी आवाज़ को वहाँ जो बोल रहे हैं वो कायम करें उसको आगे इम्प्लीमेंट करें उनको हमें कायम करने की ज़रूरत नहीं है जो लोग वहाँ पर हैं उनको कायम करना चाहिए जो सही बात है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में जो जनहित की आवाज़ है वो बुलंद होनी चाहिए जिससे कि जो भी सत्ता में हो वो उस आवाज़ को सुने और उसको जनहित की आवाज क्या होती है बहुमत की आवाज या हर अल्पमत की आवाज या हर किसी की आवाज नहीं जनहित की आवाज होती है कि जो जनहित का मतलब है कि जो एक हिंदू को पूछे, उसका उसका जनहित क्या है हिंदू कहेगा इस देश की जो सुरक्षा है वो अखंडता है वो जो कथो बनी रहे मुसलमान को पूछे जनहित क्या है तो वो बोलेगा कि अल्पसंख्यक लोगों को से कोई अत्याचार ना हो बदमाशिया ना हो आदि आदि तो उनकी समझ जनहित क्या है तो उनकी समझ पूरी नहीं है पहली बात तो ये है कि कोई अगर जना ये सोचे कि जनहित इसी में है कि भाई हमारी कौम हमारी संप्रदाय जो है उसका फायदा होता रहे और चाहे दूसरों का नुकसान हो जाए तो उससे जनहित नहीं होता जब जब आप ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें सबका फायदा हो तभी जनहित हो सकता है तभी आपका भी हित हो सकता है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी दूसरे को दबा के हम अपना हित बना लेंगे उनकी सोच बिल्कुल गलत प्रशांत जी चलिए हम लोग देख लेते हैं और देख के बाद लौट कर आप दोबारा आते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रति जी के प्रत्यु के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हमारे साथ है प्रशांत भूषण जी देश के जाने माने वकील स्वरज अभियान के फाउंडर क्या आप ये मानते हैं कि भारत में गवर्नेंस फेल्योर है बहुत जबरदस्त क्या आप ये मानते हैं कि भारत में जुडिशियल फेल्योर है बहुत जबरदस्त इसके लिए खास कर जुडिशियल क्यूंकि तो आप एक बड़े एडवोकेट हैं बहुत बड़े एडवोकेट हैं आपका नाम है हम लोगों ने हम लोग आपके आभारी है एडवोकेट ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और इस देश को दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़े इस सिस्टम के हिस्सा होने के चलते सिस्टम जुडिशरी का है कुछ आप उन बातों पर प्रकाश डालें कि जुडिशियर रिफॉर्म क्या हो सकते हैं और क्या वो क्या बदलाव की जरूरत हमारे यहाँ है जैसे कि वो हमारे पहली प्रॉब्लम तो ये है जी कि आम आदमी तो आज इस सिस्टम में घुस ही नहीं सकता क्योंकि उसको वकील की जरूरत होती है और उसके पास वकील का पैसा है क्या आप हाँ वो भी वो, एक मुद्दा है उसको भी ठीक करने की जरूरत है लेकिन उससे बड़े मुद्दे हैं कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करें वो भी होनी चाहिए कोर्ट में पारदर्शिता और होनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी की पहुंच तो होनी चाहिए जी उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें वकीलों की जरूरत ना पड़े जी जैसे ग्राम न्यायालय का सोच थी कि भाई गाँव में या कम से कम ब्लॉक लेवल पर न्यायालय होंगे जहाँ पर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होगा जिसमें कि आम आदमी बगैर वकील के अपनी बात कह सकता है एक तो वो करने की ज़रूरत है दूसरी बात त्वरित न्याय के लिए आपको कोर्ट्स की संख्या और जजेस की क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है क्वालिटी बेहतर करने के लिए आपको सिलेक्शन के लिए फुल टाइम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है फिर भ्रष्टाचार भी बहुत है कोर्ट्स में भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए जजों की जवाबदेही का एक ठोस सिस्टम होना चाहिए हम लोग कहते हैं कि एक जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन हायर जुडिशरी के लिए भी और लोअर जुडिशरी के लिए भी जो एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट बॉडी हो वो बननी चाहिए मैं आपसे चार पांच जुडिशरी से जुड़े सवाल पूछना चाहता हूँ ये सवाल मेरे इस तरह के हैं कि जो जुडिशरी है उसमें जैसे एक बड़ा सुंदर मेरे पास एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री जो कि प्रैक्टिकली सार्वभौम सत्ता रखता है भारत के अंदर उस प्रधानमंत्री को हटाने के लिए इक्यावन प्रतिशत मत काफी है लोकसभा में और वहीं पे एक हाई कोर्ट जज को हटाने के लिए हमें टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ये क्या सही है व्यवस्था देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आ, सरकार से और विधायिका से बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यायपालिका खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट दायित्व ये है कि वो विधायिका और कार्यपालिका को चेक में रखें लेकिन हाँ? न्यायपालिका अगर उद्दंड हो जाए तो हाँ, चेक हाँ, करेगा तो उसको? हाँ, उसके लिए मेरी राय में जो आज का सिस्टम इम्पीचमेंट का है उसको खत्म करके एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन बनाने की जरूरत है जो कि सरकार से और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो जैसे कि इलेक्शन कमीशन बैठेंगे इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन या सी ए वगैरह होता फिर है नहीं 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 तो जज में उसमें उस कोई भी जना बैठ सकता है कौन असली इशू यही है हाँ, नहीं उसका जिनके हाँ में हम पावर देते हैं फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है हम लोगों को ठीक है अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती ना अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अगर हम प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश कर दें और पारदर्शिता हर इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में एक न्यूनतम पारदर्शिता ज़रूरी है न्यायपालिका की भी जरूरी है जो कि आज नहीं है आ, मतलब न्यायपालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में भी जैसे कि जजों का चयन जो आज न्यायपालिका खुद कर रही है उसमें भी एक मिनिमम पारदर्शिता ज़रूरी है तो अगर हम ये दो चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं पारदर्शिता और दूसरा एक तरह की जवाबदेही यानी कि ठोस कोई इंस्टीट्यूशन हो जिनके पास कोई जना कंप्लेंट ले जा सके और जो उस कंप्लेंट का प्रॉपरली निवारण कर सके मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल आपसे उठाने जा रहा हूँ सवाल यह है कि भारत की यानी किसी भी कंट्री के लिहाज से भारत की जो सॉवरनिटी है संप्रभुता ये कहाँ बसती है देखिए सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आ, आप हम भारत सरकार के लोग, की तरफ से से हम भारत के लोग हाँ, हाँ, कायदे तो लोगों में बसती है हम भारत बिल्कुल हाँ, हाँ, हम भारत के लोगों ने चुनकर बनाया पार्लियामेंट जजों को नहीं चुना हमने नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकली हम भारत के लोग जो जिनको चुन के भेजा है हम लोग उन्हें उनको हटा सकते हैं आज हमें पसंद नहीं आया हटा दिया हमने आप घूम साल के बाद हटा दिया हमने लेकिन इन जजेस को हम लोग चुना नहीं हम लोगों ने जजों को हम लोगों ने नहीं चुना है जजेस हमारे गॉड बन गए हैं डेमी गॉड बन गए हैं मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट है जो हमारे डेमी गॉड्स हैं इन डेमी गॉड्स को नियंत्रित करने के लिए जो कि प्रैक्टिकली हमें गवर्न करते हैं हर फील्ड में हर जगह गवर्न करते हैं खासकर जब गवर्नमेंट फिलियो हो जाए गवर्नेंस का फिल्य हो जाए भारत के अंदर हो गया है प्रैक्टिकली तो हमारी आशाएं कहां मुड़ती हैं टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट टुवर्ड्स हाई कोर्ट और जब ये लोग ये ये संस्थाएं हमारी हमें न्याय ना दें और न्याय ना दें बल्कि अन्यायपूर्ण कई घटनाओं में इनका इनकी भागीदारी होती है और हम चुपचाप खामोशी के साथ कंटेप ऑफ कोर्ट के कारण बोल नहीं सकते उनके फैसलों को हम लोग परख नहीं सकते जनता के विषय जनता के मुद, उन मुद्दे पर बात नहीं कर सकते नहीं ये बात नहीं है देखिए ऑफ कोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप फैसलों के ऊपर बोल ना सकते आप हैं बोल सकते आप हैं आप बोल, के देखें क्या नहीं हम तो रोज बोलते देखेंट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फैसलों पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते मैं तो रोज करता हूँ मीडिया भी करती है जी हाँ आप ये नहीं कह सकते कि कोई जज भ्रष्ट है प्रॉब्लम वहां आती है जब आपके पास ठोस आधार किसी मुद्दे पे हमने कहा फैसला गलत है तो हम या तो हम ये समझ मान लीजिए मान लीजिए हमने कहा कि फैसला गलत है अच्छा होता जज ने कोर्ट ने फैसला ये दिया होता कह सकते उस जगह दो बातें उठती हैं या तो जज भ्रष्ट है तो जिसने फैसला दिया या तो वो अक्षम है दो ही बातें हैं मतलब फैसला अगर गलत है तो दो ही बातें हैं फैसला गलत या सही अपनी जगह पे है कि वो तीसरा भी हो सकता है कि भाई आपकी राय और उनकी राय फरक फरक मैंने माना इस बात हमने कहा अगर मैंने कहा अगर आपने कहा अगर किसी ने कहा तो मुद्दा बस साफ है या तो जज भ्रष्ट है और या तो वो फैसले वो अक्षम है नहीं जरूरी मैं कहूंगा कि अगर जज भ्रष्ट हो और और अक्षम हो और देश की जनता उसको समझ रही हो हमें क्या करना चाहिए नहीं हमको तो न्यायिक सुधार के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी तब तक पेन लेते रहे हम लोग सुधार के लिए आवाज किसके पास उठाए कहाँ उठाए देखिए समस्या तो बहुत सारी हैं हर समस्या का कोई तुरंत निवारण नहीं हो सकता इसलिए जैसे भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार के लिए बहुत लंबी लड़ाई की ज़रूरत है उसी तरह से न्यायिक सुधार के लिए भी लंबी लड़ाई की ज़रूरत है धीरे धीरे अगर अगर हम लोग अगर इस देश की जनता न्यायिक सुधार के लिए एक अभियान चलाती है एक बड़ा अभियान चलाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे व्यवस्था बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा मुझे यह सोच का दहशत होती है कि मैं भारत का नागरिक इस बात के लिए मजबूर हूं कि मेरी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा मैं बोल नहीं सकता इस डेमोक्रेसी के अंदर एक ऑटोक्रेट जुडिशरी है आपको लगता नहीं है नहीं। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है नहीं ठीक है कि जुडिशरी की जवाबदेही करीब करीब जीरो है और उसको ठीक करना जरूरी है लेकिन देखिए न्यायपालिका के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती और इस वजह से अभी भी अधिकतर पावर सरकार के हाथ में होती पावर है नहीं होती पर न्यायपालिका जो कहती है उसको मानना तो पड़ेगा सरकार को न ना। ना, वो तब तक मानते हैं जब तक पब्लिक ओपिनियन न्यायपालिका के साथ होती है अगर पब्लिक ओपिनियन न्यायपालिका के खिलाफ हो जाए अगर लोगों को यह दिखने लगे कि न्यायपालिका जनहित के खिलाफ काम कर रही है तो फिर पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट नहीं करेगी क्या स्वराज अभियान में ये मुद्दा आपने उठाया है कि जुडिशियरी को कैसे रिफॉर्म करना है हाँ हाँ वो भी हम लोगों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आप एक है। एडवोकेट हैं बड़े सीनियर एडवोकेट हैं आप एडवोकेट्स ने मेरा ऐसा मतलब मैंने ये कॉमेंट दे रहा हूँ मेरी तरफ से कॉमेंट ऐसा नहीं है पर एडवोकेट्स ने प्रैक्टिकली बहुत लोगों का कहना है लोगों कहना है कि एडवोकेट्स ने प्रैक्टिकली जुडिशरी को हाईजेक कर रखा है एडवोकेट्स Advocates... हर इस साल में खड़े होते हैं सलमान खान को तुरंत बेल मिल जाती है क्या न्याय बिकाऊ है कि तीन करोड़ में मिल जाएगा लो, आपको तुरंत मिल जाएगा बेल और अगर आप गरीब हैं तो आप पड़े रहें सर तरते रहें जेलों के अंदर छोटी सी बात के लिए आपने चोरी की है या चोरी किया है या नहीं नहीं किया आपने आप पे आरोप लगा है आप सर छ साल सर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सरे आम पांच लोग मारे जाते हैं और वो व्यक्ति छूट जाता है देखिए ऐसी ऐसी बात जो सुनने में आई है, है मैं जुडिशरी में ये सब प्रॉब्लम है क्लास बायस भी है भ्रष्टाचार भी है तो उस व्यवस्था को क्यों माने हम लोग चुने तोड़ दें इसको चुने तोड़ दें सवाल है जो भारत की जनता का सवाल है उनसे कि जो जुडिशियरी है उसकी जो ऑटोक्रेसी है क्यों तोड़ दें उसको या तो ये सुधरें या इनको हम सुधार देंगे या गलत है स्टेटमेंट गलत है आ, क्या मेरा स्टेटमेंट अराजक है हम लोगों को तो ये देखना है ना कि आ, अगर हम जुडिशरी को तोड़ देंगे तब क्या होगा तब तो ये है कि जितना आज थोड़ा बहुत नियंत्रण हो रहा है कार्यपालिका के भ्रष्टाचार का या कार्यपालिका के मान बोला था कि पिछले पंद्रह सोलह चीफ जस्टिस में से मेरी राय में आधे चीफ जस्टिस भ्रष्ट थे ये मैंने बोला था कि मेरी राय में मेरा ओपिनियन बहुत, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट जो है बुद्धिमान बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेटमेंट है आपने नाम नहीं लिया किसी का नहीं मैंने उसमें नाम नहीं लिया था लेकिन बाद में मैंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें कईयों के नाम दिए थे फिडेविट गोपनीय है या जनता सामने आ सकता सार्व है सार्वजनिक है हमारे वेबसाइट पर है आप निकाल सकते हैं अच्छा मुझे एक बात समझनी है आपसे कि अगर आपको मौका मिले सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बनने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जज बनने का तो आप क्या करेंगे देखिए मेरी ना Chief तो वो कोई ख्वाहिश है न अगर बने तो ना ही मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूं। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि आप उस पद पे मान लीजिए जूम कर लीजिए और बताइए कि आप क्या करेंगे उस जगह पे नहीं, अगर मैं उस पद पर हूँ तो मैं सबसे पहले तो न्यायिक सुधारों की सुधार, गुहार कैसे? सुधार कैसे मैंने बोला एक ना? हाई कोर्ट का जज अगर रिजाइन न करे सुधार तो बहुत तरह से हो सकता उनको है उनको हटाना मुश्किल हाँ तो ये भी एक सुधार है कि भाई आप आप ये बोलिए एस चीफ जस्टिस की भाई एक न्यायिक आयोग बनाया जाए जिसमें कि लोग अपनी कंप्लेंट्स जजों के खिलाफ भेज सकें और जो उनके खिलाफ एक्शन ले सके कैसे होना चाहिए उनको हटाया जा सकता है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकता है कुछ भी किया आपको जा सकता नहीं है।, लगता कि भारत के जो है वो गार्जियन डेमोक्रेसी को चला रही है नहीं आज जुडिशरी की पावर बढ़ी है उनका हस्तक्षेप बढ़ा है वो इस वजह से क्योंकि कार्यपालिका बिल्कुल अक्षम हो गई है कार्यपालिका में खूब भ्रष्टाचार बढ़ गया है कार्यपालिका हर तरह से मानवाधिकारों के का हनन कर रही है इस वजह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है और इस वजह से आज भी पब्लिक ओपिनियन काफ़ी हद तक न्यायपालिका के साथ है जिस दिन ऐसा होगा कि न्यायपालिका ऐसे ऐसे आदेश देने लगे जो जनहित के बिल्कुल खिलाफ हों जिससे जनता सहमत हो उस दिन कार्यपालिका न्यायपालिका की बात मानने से मना कर देगी आपने ये सुना होगा जाके पावना फटी बिवाई शो का समझे मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी सो कॉल वीवीआईपी भारत में घूमते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हाई कोर्ट के जज हैं मंत्री हैं अफसर हैं ये इन लोगों के लिए पुर, रास्ता पूरा साफ कर दिया जाता है ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ता इनको इनको जब कहीं जाते हैं इनको वे, कहीं वेट नहीं करना पड़ता दफ्तरों में वेट नहीं करना पड़ता इनका फोन काफी होता है काम करवाने के लिए तो आम जनता की जो पीड़ा है जैसे आप खुद भूल जाइए कि आप प्रशांत भूषण हैं आप जाए जनता, जनता के के जनता जनता पास की तरह जाए कि आम जो इंडियन है उसकी तरह से जाएं आप सीटिंग रूप में जाएं और अर्जी लगा के देखें हर जगह दफ्तर जाएं कोर्ट में जाएं रजिस्ट्रार के पास जाएं तो जो आप फेस करेंगे वो ये फेस करेंगे कि आप लगातार वेट कर रहे हैं उनका सम्मन आते हैं एक जज सम्मन भेजता है किसी आम आदमी को बिना जाने कि वो उस दिन छुट्टी उसके पास उस दिन समय है कि नहीं है बिना समझे कि वो व्यक्ति उसको हम लोग जांच कर लेंगे कि जो अभियोग है उस पस पस उतना सही है कि नहीं है हम बुलाते हैं उसको हथकड़ी लगा के बुलाना चाहते कई बार हथकड़ी लगा के बुलाते हैं उसके लिए तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि हथकड़ी नहीं लगा सकते लेकिन वो अपमान जो पुलिस वाले जिंदा करते हैं आपके टूल है वो जब आप बुलाते हैं कोर्ट में उनको खड़ा करते हैं आप करग्रा में खड़ा करते हैं करगर में खड़ा करने की व्यवस्था सही है आपको लगता है जैसे जज आप जज हैं और हम भारत की आम जनता है हम साथ बैठे क्यों नहीं बात करते हैं जज आराम से क्यों नहीं बोलते कि सर आप बताइए आप पे अभियोग है, है। ये सर... मैडम आप पे अभियोग है ऐसे क्यों नहीं बात कर सकते आप जज साहब कुछ जज साहब छुट्टी पे गए हैं हमारा केस खारिज अभी वेट करना पड़ेगा डेट खारिज हो गई हमारी अब फिर अब वेट करिए आप अगले डेट का वेट करिए आप नहीं ये तो कुछ तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जज बहुत कम है केस बहुत ज़्यादा हैं तो अगर आप किसी जज के सामने सत्तर या सौ केस एक दिन में लगा देंगे तो लाजमी है कि वो सारे सौ केस तो सुन नहीं सकता निपटा नहीं सकता जी। तो ज़्यादातर केस को एडजर्न करेगा मुलतवी करेगा तो कुछ तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है और कुछ कुछ कभी कभी जजों का भी मिसबिहेवियर होता है सिस्टमिक प्रॉब्लम तो है ज्यादा तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है देखिये जजों में भ्रष्टाचार है काफी है क्या परसेंटेज होगा तो आपका एक अनुमान जैसे आपने कहा था कि आधे काफी परसेंटेज है एग्जैक्ट तो कहना बड़ा मुश्किल है की बात करते हैं तो काफी होगा कम से कम पच्चीस तीस परसेंट तो डेफिनेटली होगा इतना ही होगा नहीं इतना हम नहीं है कह, तो कह, कह सकते है। कि उससे ज्यादा कितना है मतलब हमने कोई इसका एक्यूरेट नहीं लगाया है पिछले पंद्रह सोलह चीफ जस्टिस को तो हम मैंने देखा था तो मैं कह सकता था मुझे उनका अनुमान था जब तक कोई सर्वे ना किया जाए तब तक ऐसे कोई कहना कहनाबल होगा जुडिशरी हायर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तो खैर कम हो गया है थोड़ा इस समय उतना नहीं है विभिन्न तो जो हाई कोर्ट हैं, भारत के हाई कोर्टों में भी काफ़ी है काफ़ी प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बोला कि जवाबदेही का कोई ठोस आधार नहीं है न्यायपालिका का आप कोई सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं जो इम्प्रैक्टिकल है आप अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज कराना चाहें तो चीफ जस्टिस की परमिशन लेनी पड़ती है आप अगर उनका खुलासा करना चाहें तो कंटेम्प्ट का डर होता है और आज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी जजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है आ, एक आखिरी सवाल आपसे दूंगा मैं शहाबुद्दीन के खिलाफ आप इनके खिलाफ जा रहे हैं उनकी रिहाई के खिलाफ आप जा रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं तो फिर आप कितने आसान्वित हैं आप उनको दोबारा अंदर करवा देंगे देखिए जो बातें सामने आई हैं जो तथ्य सामने आए हैं कि इनको बेल सिर्फ इस आधार पर दे दी गई कि भाई इनका ट्रायल नहीं शुरू हो पाया था और जबकि इनके खिलाफ दो तो लाइफ इम्प्रिजमेंट के कन्विक्शन हो चुके हैं एक दस साल का हो चुका है पांच और कन्विक्शन हो चुके हैं कम से कम तीस चालीस केस और चल रहे हैं इनके खिलाफ मालूम है यही केस था एक विटनेस को मारने का तो ऐसे केस में बेल कायदे से नहीं दी जा सकती थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बेल को रद्द कर देगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और टाइम निकाला आपने और आप जैसे लोग हमारे समाज में हैं, जब तक सक्रिय रहेंगे समाज सुरक्षित रहेगा हमारा दावा इस बात का हम आशा करते हैं कि आप दोबारा समय निकाल के फिर दोबारा समय दे और आज हम अब इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह हम दोबारा किसी खास शख्सियत को दोबारा आपके हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रत्नगी